मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म फिर से आपका स्वागत है। ये कचारगढ़ का क्षेत्र है। कचारगढ़ गुफा काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है, एशिया का सबसे बड़ा गुफा यहीं विद्यमान है। मित्रों कचारगढ़ अपने खूबसूरती और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मेला लगता है, मांगी पुण्य से लेकर 5 दिन तक का यहाँ पर मेला लगता है और हम मेला में यहाँ पर पहुँचे हैं। हम वास्तव में कचारगढ़ के गुफाओं को देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वास्तविकता जानना चाहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा गुफा क्यों है और यहाँ पर किस देवता की पूजा की जाती है। नेचुरल रूप से इस गुफा का निर्माण स्वतः अपने आप हुआ है। ये पहाड़ है, मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में गुफा का निर्माण हुआ है। हमने सुना था कि सबसे बड़ा गुफा यहीं पर है एशिया का, और मेला के दौरान यहाँ पर काफ़ी लोगों को भीड़ रहती है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका था कि हम वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर देखें मेला में और गुफा को भी देखें। तो आइए चलते हैं मित्रों, और बने रहिए हमारे वीडियो में, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। ये समूचा एरिया महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र गोंदिया जिले में आता है। ये दर्रेकसा से काफ़ी नज़दीक है, दर्रेकसा से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम सबसे पहले यहाँ पर प्रणाम करते हैं बाबा जी को, और यहाँ पर एक छोटा सा गुफा है, गुफा के अंदर हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि किस देवी देवता का वहाँ पर पूजा किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं हम इस छोटे से गुफा में। और यहाँ पर नारियल वगैरह दिया वगैरह रखा गया है अंदर में, और जो देवता है उसको जूम करें, मैं चाहता हूँ कि जूम करके दिखाएं वहाँ, ये जूम कर। जंगोदाई और गुरुलिंगों का यहाँ पर पूजा किया जाता है, नारियल प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये प्राकृतिक गुफा है मित्रों, आप मैं चाहता हूँ कि ये 5 दिन का लगता है ये, तो कभी भी आप आ सकते हैं। बोर तालाब से कचारगढ़ जाने के लिए सीधा रास्ता बना है, तो हम नेचुरल प्राकृतिक गुफा में है, ये नेचुरल तरीके से बना है। तो आप अगर आना चाहते हैं तो पहले बोर तालाब आइए, बोर तालाब से कचारगढ़ का एक रास्ता बना है, और यहाँ पर बारिश के सीजन को छोड़कर आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि बारिश में फिसल रहता है। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा जांच पड़ताल पहले नंबर की गुफा में जाता है। ये है पहले नंबर का गुफा, जहां पर पहुंचने के लिए एक रोप बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। ये हमारा पहले नंबर का गुफा है, नेचुरल रूप से इस गुफा का निर्माण हुआ है। यहाँ पर 5 दिन का मेला लगता है, उस दौरान विशेष रूप से यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। ये देखिए गुफा नंबर 1, यहाँ पर लगभग 3 गुफा है जिसका हम पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में यहाँ पर लोग पूजा करने क्यों आते हैं इतने दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, क्या मान्यता है और क्या मान्यता यहाँ पर पूरी होती है। यह है गुफा नंबर 1, यहाँ पर त्रिशूल को रखा गया है। बाहर नेचुरल लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं, मैकल श्रेणी के चारों ओर जंगल है, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देवस्थान है, देवस्थान के कारण यह पवित्र क्षेत्र माना जाता है। मन को मोहने वाला, नैनाभिराम आकर्षक दिखने वाला यह जंगल है। ये आगे जाने का मार्ग है, सबसे बड़ा गुफा यहाँ पर स्थित है। ये है 3रे नंबर का गुफा, तो हम दिखाएंगे, अभी हम पहले नंबर की गुफा में हैं। काफ़ी भीड़ रहती है मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम और ले जाते हैं आपको गुफा नंबर 2। प्राकृतिक रूप से इस गुफा का निर्माण पूर्व काल में हुआ है। ये है गुफा नंबर 2 और हम पड़ताल करते हैं इस गुफा का, काफ़ी खतरनाक है मित्रों, यहाँ पर पैदल आना पड़ता है, खाली पैर आना पड़ता है, नुकीले नुकीले पत्थर निकले हुए हैं, संभल कर हमें चलना पड़ा और हम आगे पहुंच गए गुफा नंबर 2 में। यहाँ पर
अलग अलग देवताओं की अलग अलग जगह पर रखकर पूजा की जाती है। एक बाबा जी है जो तुरा बजाते हैं यहाँ पर, ये देवता है। तो ये गुफा का मुहाना है, फ्रंट भाग है गुफा का, ये देखिए ऐसे दिखता है बाहर से। कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और ये बाहर का सीन है। अरे एक तो फोटो लेने हैं। तो एक और गुफा बचा है हमारा, उसमें जाएंगे। ये वाला गुफा है, ये तीसरे नंबर का गुफा कहलाएगा, जो बड़ा गुफा है, सबसे बड़ा। ये बाहर का सीन है। सूर्य अस्त के बाद प्रवेश पूर्णता प्रतिबंध रहता है। ये है गुफा नंबर 3, केव नंबर 3। ये है सबसे बड़ा गुफा, एशिया का सबसे बड़ा गुफा इसे माना जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं गुफा का पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए वास्तव में कि ये गुफा वास्तव में एशिया का सबसे बड़ा गुफा क्यों कहा जाता है इसे। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर देवताओं की पूजा की जाती है। ये गुरु बाबा है उनके, जो पूजा पाठ करते हैं साथ में, ये उनके कार्यकर्ता है। ये गुफा नंबर 3, काफ़ी विहंगम दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य हमने देखा यहाँ पर पहुँचकर। एक बहुत ही बड़ा गुफा के अंदर हम थे और पथरीला रास्ता था, कटीला कटीला नुकीला नुकीला पत्थर पूरा नीचे में था। हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना था और हमें देवस्थान तक पहुँचना था। देवस्थान कहलाता है ये एरिया, देवस्थान एक जगह है जहाँ पर ऊपर से प्रकाश आता है और नीचे देवता का वह स्थान है। बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरने से उस पहाड़ के नीचे छेद बन गया है जहाँ से प्रकाश आता है, और उस जगह के नीचे देवस्थान। तो देवस्थान के आगे हम जरूर जाएंगे, ये देवता है। निकलने का बाहर, हमें उसी क्षेत्र में आगे जाना है जहाँ प्रकाश हमें दिख रहा है। बाहर बाहर, काफी बड़ा गुफा है, हजारों लोग यहाँ पर समा सकते हैं एक साथ। यहाँ पर काली कंकाली दाई की पूजा की जाती है और देवता है उनकी पूजा की जाती है। देखिए प्राकृतिक रूप से बना हुआ गुफा है, काफी बड़ा काफी विशाल। बाहर का गुफा का द्वार कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ये देखिए हम काफी अंदर हैं और धूप अंधेरा है मित्रों, कुछ कुछ उजाला है बाकी अंधेरा है। ये हम आगे बढ़ गए हैं और देवस्थान की ओर हमने शिरकत की है देवस्थान की ओर। ये ऐसे हम यहाँ से चल कर आए हैं, ऊपर से बहुत सारे पत्थर लटकते हुए दिख रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर आना संभव नहीं रहता, अन्य दिनों पर अगर आना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, खतरा रहेगा आपको जानवरों से। तो ये वही स्थान है मित्रों जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको। ये है प्राकृतिक रूप से बना हुआ ये छेद है, जो उल्का पिंड के गिरने से यहाँ पर बहुत बड़ा छेद का निर्माण हो गया था। इसके नीचे देवता का वह जगह है, अलग अलग जगहों पर देवताओं को रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए हजारों लोग आते हैं मेला में दर्शन करने के लिए। ये वही प्रकाश वाला स्थान है मित्रों जिसे हम देवस्थान कहते हैं। इसी देवस्थान को ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वास्तव में देवस्थान दिखता कैसे है, और हम पड़ताल करना चाहते हैं देवस्थान का। हर जगह आपको त्रिशूल दिखेगा यहाँ पर। तो ये है मित्रों देवस्थान, इसी को हम देवस्थान कहते हैं, देवस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमेशा 24 घंटे दिए जलते रहता है और ऊपर से प्रकाश आता है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उजाला रहता है। इसको ही पड़ताल करने आए हैं, देवस्थान यही है, देवस्थान कचारगढ़ के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। काफ़ी भीड़ रहती है मित्रों यहाँ पर, और कहानी की वंदिति का यह जगह है। यहाँ पर उल्का पिंड गिरा था भविष्य में, उससे यहाँ छेद बन गया और नीचे देवस्थान का निर्माण किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू देवस्थान कचारगढ़ से, धन्यवाद।